क्या माश्य मुझे ओलम्पियाड की प्रिपरेशन करनी है मैथ्स ओलम्पियाड की उसके लिए मैंने तीन बुक्स भी ले ली अपने स्कूल की एक रेफरेंस बुक और एक ओलम्पियाड की बुक पर फिर भी मुझे अच्छे एग्जाम्पल पेपर्स और अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं बुक में तो ऐसी कोई बुक है जिसमें मुझे दोनों चीज़ें मिल सकें वो मैं ढूंढ रही हूँ मैं तो सही बुक लेती हूँ ये ले ये उस बुक्स की वन फॉर ऑल ओल ओलम्पियाड इससे तो किसी भी मैथ्स ओलम्पियाड की तैयारी कर सकती है मैं तुझे अच्छे सैम्पल पेपर्स अच्छे क्वेश्चन लेवल के और अच्छे अच्छी एक्सप्लेशन्स भी मिल जाएंगी सेंट मैं ते को एक ये बुक अच्छे से दिखाती हूँ ये है क्लास ट्वेल्थ तो मैथमेटिक्स वन फॉर ऑल ओल ओलम्पियाड्स की बुक जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्ज़ाम्स के लिए है इस बुक में प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे मैं तुझे दिखाती हूँ सबसे पहले इस बुक को खोलने के बाद एक क्यू आर कोड मिलेगा जिससे इसको स्कैन करने के बाद तो एक्सक्लूसिव ओलंपियाड वॉक पेपर्स देख सकती है उसके बाद आ जाती है टेबल ऑफ कंटेंट्स जिसमें लिखा गया है कि इस बुक में क्या क्या है और यहाँ पर एक क्यू आर कोड भी दे रखा है जिसको स्कैन करके आप इस ईयर की ओलम्पियाड अपडेट्स ले सकते यहाँ पर है नेविगेशन मेड सिंपल जिसमें लिखा है कि इस इस बुक में हर चैप्टर में क्या क्या है लर्निंग आउटकम्स है कॉन्सेप्ट रिव्यू अमेजिंग फैक्ट्स डिड यू नो आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस है आंसर कीज है क्वेश्चंस है एंड फन ट्रिवियाज भी है सबसे पहले आपको मिल जाएगा कि माइंड मैप क्या होता है एंड माइंड मैप्स को इस बुक में डिकोड कैसे किया जाए जो कुछ सिंबल्स वगैरह है वो यहाँ पर दिए गए हैं हर चैप्टर में एक माइंड मैप दिया जाएगा जैसे रोमन नीमरे हो जाए तो ये इसका एक माइंड मैप है जिससे आप एक चैप्टर को स्टार्टिंग में शॉर्ट में समझ सकते हैं उसके बाद चैप्टर खोलने के बाद आता है लर्निंग आउटकम जिससे पता चलता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ जाएंगे फिर कॉन्सेप्ट रिव्यू हो जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं एंड फंट रिव्यू अमेजिंग आपको चैप्टर के बिटवीन में ही दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जिसमें सबसे पहला है लेवल वन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईयर मेंशन है क्योंकि इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर ओलम्पियाड से लिए गए हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फिर यहाँ पर लेवल टू है एंड फिर अचीवर सेक्शन है इन सारे क्वेश्चंस की फिर हमें आंसर की मिल जाएगी एंड एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएंगे एंड इस तरीके से देखिए नेक्स्ट चैप्टर में भी एक माइक मैप है और इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर भी है अब हम देख लेते हैं सैम्पल पेपर्स ये है सैम्पल पेपर लेवल वन इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इनको जनरल इंस्ट्रक्शन लेवल वन है ये इसमें यहाँ पर थर्टी क्वेश्चन हैं उसके बाद फाइव क्वेश्चन है अचीवर सेक्शन के फिर जैसे आपने एम सी क्यू के बाद चैप्टर्स में दिया गया था कि आंसर की भी होगी एंड आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी होंगे वैसे ही सैम्पल पेपर में भी है सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं ये जो भी क्वेश्चन है ये बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे हैं फिर उसके बाद लेवल टू सैम्पल पेपर यहाँ पर लेवल टू के जो है टोटल 45 क्वेश्चंस दिए गए हैं देन उसके बाद फाइव क्वेश्चंस है वो अचीवर सेक्शन के यहाँ पर भी आंसर की एंड आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन दिया गया है और ये जो दोनों सैम्पल पेपर है बुक के एकदम एंड में बुक के बैक कवर पेज पे हमें दिखेगा कि इस बुक को अवार्ड्स भी मिले गए हैं एंड ये जो बुक है ये बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आपको मिल सकती है फ्रेंड्स अगर आप भी इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका परचेज लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी ये ले इससे तो किसी भी मैथ्स ओलम्पियाड की प्रिपरेशन कर सकती है हाँ तुम तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी